पे चेक करो खतरनाक मजा आ गया यार। ये कोई दीवार टाइप है यहाँ पे और पीछे बिल्डिंग से हमारा क्या नजारा आ रहा है। और वो उस जगह तो आपको तो देखने में पता लग रहा है कैमरा जिससे नहीं कर पा रहा बहुत सुंदर लग रहा है। मजा आ गया खतरनाक। तो दोस्तों अगर ऐसी मजा आ रहा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको। और भाई ऐसे सपोर्ट करते रहना, आप अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपका इससे ज़्यादा कुछ जाने वाला नहीं है। आपको अमेजिंग अमेजिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे ऐसे ट्रेवल्स वाले फैमिली वाले एंड ओला में। ब्यूटी यार ब्यूटी खतरनाक। ओ भाई ग्रीनरी ग्रीनरी रीच किया हूँ एक स्टेशन पे, इसका नाम है अलुवा स्टेशन और ये है केरला में। अभी इसके बाद जस्ट नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है वो है एर्नाकुलम और ये लास्ट गाड़ी जो है लास्ट केवल एर्नाकुलम तक जाएगी। और एर्नाकुलम शायद लास्ट ही पॉइंट है ना ट्रेन का। ट्रेन चलने वाली है मूविंग शेकिंग। तो भाई ये एर्नाकुलम जो है एकदम लास्ट सेक्शन है केरला का, तो मैं अभी वहाँ पे मिलेंगे भाई पे मैं करने वाला हूँ। वही अभी ट्रेवल्स वगैरह करते रहूँगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिससे जैसे ही ब्लॉग जैसे आउट होगा तो आप लोग को तुरंत देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई चलो फिर और कोई वीडियो दिखेगी तो फिर दिखाऊँगा। शानदार खतरनाक भाई व्यूज देखो बस आप। दोस्तों मैं एर्नाकुलम जंक्शन पहुंच चुका हूँ। हम और प्रणव भाई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे वैकेशन पे आए हैं और मैं भी घूमने के पर्पज से ही आया हूँ। और यहाँ वी अगेन मीट एंड्रू से हाय हाय बाय सी यू अगेन। और यहाँ एंड्रू में मिले थे ये भाई, इनकी पूरी टोटल चार लोग थे दो कपल से। अभी भाई चलो अभी आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो बताऊंगा मैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ तो दोस्तों अभी जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे तो हमको एक दोस्त मिला हमारा प्रणव भाई, ये नासिक से है और इसने बहुत सारे महाराष्ट्र के बारे में चीज़ें बताई हैं उनको और बहुत सारे जो भी मैंने पहाड़ वगैरह जो लगाए थे उन सब के बारे में बताया। इसने काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ थे। और भाई क्या बोलना चाहोगे मैं सब्सक्राइबर्स के लिए भाई? एकदम अच्छा बंदा है, ऐसा है महाराष्ट्र एकदम चांगला एकदम सुंदर। हाँ वो उसी में बोलो मराठी कौन सी लैंग्वेज है? मराठी लैंग्वेज बोलो। महाराष्ट्र मध्ये आणि एकदम सुंदर आमची मराठी आमचा महाराष्ट्र आमचा महाराष्ट्र आमची मराठी आमचा महाराष्ट्र। तो भाई जो भी महाराष्ट्र लोग देख रहे हैं भाई तुरंत कमेंट करना आपका भाई मिला है हमारा भी भाई है। इंडियंस ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चलो भाई फिर अभी एर्नाकुलम पहुंच चुके हैं वहां का भी बनाऊंगा भी मिलते फिर लॉटरी एंड फिर से अगेन द लॉटरी।
भाई लॉटरी लॉटरी है सब जगह, किसी को लॉटरी लगवानी है इधर आ जाओ। ठीक हूँ वहाँ पे ये लॉटरी सिस्टम हर जगह है, मतलब ये लॉटरी के टिकट्स वगैरह हैं ये हर जगह बिक रहे हैं, मतलब स्टेशन पे एवरीवेयर भाई लॉटरी टिकट्स यहाँ पे भी हैं और रास्ते में भी देखे ना मैंने सब जगह लॉटरी टिकट्स बिक रहे हैं भाई। हाँ तो दोस्तों मैं अभी एर्नाकुलम जंक्शन पे पहुँचा था, वहाँ से जस्ट थोड़ा सा उतरा हूँ, यहाँ पे मैंने खाना खाया और खाने में मैंने भैया से मांगा था पराठा, तो भैया ने पराठा ही दिया लेकिन वो पराठा भी चावल का बना हुआ था, तो भाई इधर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ राइस, तो सब कुछ आपको चावल का मिलेगा। हाँ की चाय जो थी वो की वो तो अलग थी, काफ़ी अलग थी चाय नॉर्मल चाय से, उनका बनाने का तरीका भी अलग था। ये क्या है भैया? डोसा। डोसा ये अलग टाइप का डोसा है, और ये पूड़ी है, डोसा है। ये क्या है? ये डोसा है। ये भी डोसा है। ओके और ये बड़ा बोलते हैं। ये बड़ा है एंड ये समोसा। ये समोसा है। अच्छा ये समोसा है और इसके बगल में ये गोल गोल क्या पत्री एंड ये भी बड़ा है प्याज का बड़ा एंड बट ब्रेड ब्रेड ओके पफ्स है बिस्किट इडली एंड सब कुछ मोस्टली राइस का भी बना हुआ है। ये भी राइस की बनी हुई है? पूरी है। पूरी राइस की आटा का है। ये आटा का है और यहाँ पे चाय भी थी भाई। क्या नाम है इसका, जैसे ये स्टेशन से आप इधर से निकल के आओगे रास्ता इधर ही है, तो ये फास्ट फूड अगर आप इंडियन मतलब हिंदी बोलते हो तो ये भी भैया जो है हिंदी बोलते हैं, आप इजीली इनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। और ये है इस दुकान का नाम फास्ट फूड एंड ये इधर साइड से स्टेशन का जैसे ही आप सीधे निकलोगे तो यहाँ पे एक रास्ता दिखेगा आपको, इधर से आना सीधे सीधे इनकी दुकान है ना।